आइए आज हम गुड़हल के पुष्प का इस्तेमाल अमल और शारक का पता लगाने में करते हैं। आपने एक प्याली में गर्म पानी लेना है और उसमें गुड़हल के पुष्पों को या इसकी पंखुड़ियों को डुबोकर थोड़ी देर रख देना है। पंखुड़ियाँ अपना रंग पानी में छोड़ देगी और आपका पानी पंखुड़ियों के रंग जैसा हो जाएगा। अब आपने इस पानी के दो बराबर भाग कर लेने हैं। अब आपने एक नींबू लेना है और उसे काटकर दो बराबर भाग कर लेने हैं। आधे नींबू को आपने इस जल में निचोड़ देना है। आपको तुरंत ही इसका रंग गहरा गुलाबी या मैजेंटा होता नजर आएगा। ऐसा रंग गुड़हल का सूचक अमल की उपस्थिति में ही देता है, जो यह सिद्ध करता है कि नींबू में अमल होता है। अब दूसरे गिलास में आपने बचा हुआ गुड़हल का पानी डाल देना है। अब पान की दुकान में मिलने वाला आपने चूना लेना है और उसे इस गुड़हल के जल में डाल देना है। जैसे जैसे चूना इस गुड़हल के जल में मिलता जाएगा, गुड़हल का सूचक अपना रंग बदल लेगा और यह आपको हरा नजर आने लग जाएगा। गुड़हल का विलयन हरा होने का मतलब है कि इसमें क्षार मिलाया गया है। तो आपने आज देखा कि किस प्रकार से हम गुड़हल का विलयन तैयार करके अमल और क्षार का पता लगा सकते हैं। अमल डालने पर गुड़हल का सूचक गहरा गुलाबी अर्थात मैजेंटा रंग देता है और क्षार डालने पर यह हमें हरा रंग देता है। धन्यवाद।